سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وَجْعَلْ لي وزيرا من أهلي اللهم فكهنا في الدين اللهم ألهمنا رشدا وعزنا من شرور أنفسنا میرے ساتھ درود اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله ثم الحمد لله अल्लाह का बहुत बड़ा करम कि उसने हमें इंसान बनाया अशरफुलमखलूक़ बनाया जिसका जिक्र अल्लाह कुरान में फरमाते हैं लकत करम न बनी आतम मैंने बनी आदम पर बहुत बड़ा करम किया और यह एहसान उसने मुझ पर आप पर हम में से हर एक पर किया मैं और आप इंसान हैं मसजूद मलाइका हैं अशरफुलमखलुक़ात हैं इसमें मेरा और आपका तो कोई कमाल नहीं ये करम, ये एहसान ये फसल मेरे रब का है वरना मुमकिन था कि उस खालिक के हुक्म से हम में से कोई कोई छोटी सी चिड़िया होता कोई तितली होता कोई एक भंवरा कोई मक्खी कोई मच्छर और ये भी तो मुमकिन था कि हम में से कोई एक गंदे पानी के जौहड़ में तैरने वाला एक छोटा हकीर सा कीड़ा होता लेकिन उस रब का एहसान उसका करम कि उसने मुझे और आपको इंसान बना दिया वो इंसान जिसके लिए अल्लाह ने कुरान में फरमायाफी आकवीन नल इंसान वो इंसान जिसको अल्लाह ने बेहतरीन साख्त पे बनाया है और फिर उस पर मजीद करम के सिर्फ इंसान ही नहीं मुझे आपको हम सबको उसने वो इंसान बनाया जो उसकी बेहतरीन उम्मत के अफराद हैं हमें कौन सी उम्मत का फर्द बनाया उस उम्मत का फर्द बनाया जिसको अल्लाह सुबहाना तला खैरा उम्मतिन कह के मुखातिब करता है जिसके अफराद के सरों पर अल्लाह सुबहाना तला ने खैरा उम्मतिन का ताज रखा है अल्हदुल्ला सुम्मा अल्हमदल्ला हमारे रब ने हमें उस उम्मत का फर्द बनाया जिसको अल्लाह कुरान में फरमाता है कि तुम क्या हो उमतन वसतन शहीदा मैंने तुम्हें क्या बनाया उम्मत वसतन बना दिया खैरन उम्मतिन बना दिया मुझे और आपको अल्लाह सुबहाना उम्मत का फर्द बना दिया जिसके लिए कुरान ने खैरा उम्मतन उम्मतन वसतन कहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके लिए खुशखबरी दी कि मैं अपनी उम्मत की सिफारिश करूंगा हमें उस उम्मत का फर्द बना दिया जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्म साहब इक्राम के साथ तशरीफ फरमाते और आपने उनको मुखातिब करके फरमाया पिशनगोही फरमाई आपने फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि चौथाई जन्नती मेरी उम्मत में से होंगे फिर आपने मज़ीद इसमें इजाफा फरमाया आपने फरमाया मुझे उम्मीद है कि एक तिहाई जन्नती मेरी उम्मत में से होंगे फिर आपने फरमाया नहीं मुझे उम्मीद है कि आधे जन्नती मेरी उम्मत में से होंगे और फिर आपने हतमी तौर पर फरमाया मुझे उम्मीद है कि दो तिहाई जन्नती मेरी उम्मत में से होंगे जन्नतियों में से दो तिहाई जन्नती जिस उम्मत में होंगे उस उम्मत का फर्द बना दिया आप वसल्लम ने फरमाया कि जन्नतियों की अस्सी सफ़े होंगी एटी लाइंस, अस्सी सफ़े और आपने ये फरमाया कि उन अस्सी में से साठ सफ़े उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होंगी। अल्लाह हमें उन खुश नसीब उम्मतियों में से बना दे मेरी बहनों मेरी बेटियों मेरे रब ने हमें उस उम्मत का फर्द बना दिया है जिसको नबी वसल्लम क़यामत के दिन उनके वजू के आज़ाद के चमकने की बुनियाद पर पहचानेंगे हमें उस उम्मत का फर्द बना दिया है जिसको आप वसल्लम पहचानने के बाद अपने दस्ते मुबारक से हौज कौसर से पानी पिलाएंगे और हदीस बताती है कि जिसने एक दफा हौज कौशर से पानी पी लिया उसको कभी प्याज नहीं लगेगी और जो उसके पानी से महरूम रह गया उसकी प्यास कभी बुझेगी नहीं अल्लाह हमें से किसी एक को भी उससे महरूम ना रखे हमें उस उम्मत का फर्द बना दिया जिसकी जिसकी सिफारिश जिसकी शिफात शाफी महशर मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम हाशिर करेंगे ये अल्लाह का एहसान है इस सुम्मत का फर्द बनाने के बाद अल्लाह ने क्या किया जो उन्होंने कुरान में फरमाया था इन्ना हदईना हो कि हम क्या करेंगे हदईना जदैन हम तुम्हें दोनों रास्तों की तरफ रहनुमाई करेंगे दुनिया में भेजने के बाद हम तुम्हें छोड़ नहीं देंगे हदईना जदैन हम तुम्हें दो रास्तों की तरफ रहनुमाई करेंगे दोनों रास्ते क्लियर कट दिखा देंगे जन्नत का रास्ता जहन्नम का रास्ता हदयी ना होना जदइन के लिए अल्लाह सुबहना ने क्या तरीका इस्तेमाल किया कुरान अल किताब, कैसे कहकर सूर बकर की बिल्कुल इब्तदाई आयत में लाल किताब हो ये ले लो किताब ला रही भाफी इसमें शक ना करना इसको लोगे इसमें शक नहीं करोगे तो ये क्या बन जाएगी हुतकी तकवा करने वालों के लिए हदायत बन जाएगी अल्लाह ने हमें किताब दे दी कुरान दे दिया फुर्कान दे दिया बुरहान दे दिया जिसके साथ जन्नत और जहनुम का रास्ता दिखा दिया अल्लाह ने हमें उस कुरान की हामिल कौम बना दिया उस अल किताब की हामिल किताब उम्मत बना दिया जिस किताब को अल्लाह ने खुद कुरान में क्या कहकर पुकारा है वह वाहिर ये किताब उन तमाम चीजों से बेहतर है जो लोग जमा करते हैं हमें उस किताब की हामिल उम्मत बना दिया यह सब कुछ मैं क्यों बता रही हूं ताकि एक शुक्र का जज्बा आए कुरान और हदीस की इन कुतुब को थामने से पहले दिल शुक्र से मामूर हो जाए जबान जिक्र से मामूर हो जाए जिसम सब्र पर तैयार हो जाए हमें उस किताब को थामने वाला उस किताब से मोहब्बत रखने वाली कौम बना दिया वो किताब दोहराए जिस रात में नाजिल हुई थी वो रात क्या बन गई थी सुरह कदर इनाम जुलाकदर वाकम तुलदर लतकदर खैर मिनाल फिर शहर जिस रात में यह किताब नाजिल हुई थी वो खैर मनाल फिर शहर बन गई जिस महीने में यह कुरान नाजिल हुआ कुरान ने खुद कहा शाहरु रमजान कुरान वो कौन सा महीना बन गया शाहरु मुबारकतुन बन गया शाहरुन अजीम बन गया जिस बस्ती में ये कुरान उतारा गया था वो बस्ती क्या बन गई कुरान ने इसको क्या कहकर पुकारा है उमुल कुरान तमाम बस्तियों की माँ बन गई वो रात कदर बन गई वो महीना शहर उन अजीम बन गया वो बस्ती उम्मल क्राब बन गई जिस नबी की तरफ उतारा गया था खातमुन खातबीन मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम मुस्तफ़ा हुए मुज्तबा हुए और जिस उम्मत की तरफ भेजा गया था वो उम्मत उम्मत वसत खैर उम्मतन कहकर पुकार दी गई ये किताब दी गई इस उम्मत का फर्द बनाया गया और फिर मेरे रब ने मुझ पर और आप पर उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक और करम और एक और इनाम फरमाया सिर्फ उम्मती नहीं बनाया उम्मती बनाने के बाद हदायत के लिए कुरान नहीं दी हाँ कुरान भी दिया कुरान क्या था एक लिखा हुआ नमूना था जन्नत का तरीका हासिल करने और जहनम के तरीके से बचने के लिए लेकिन साथ अल्लाह ने एहसान पर मजीद एहसान क्या किया कि उस रब ने हर किस्म के इबाम हर किस्म की कंफ्यूजन, हर किस्म के समझ और फहम की कमी को रूल आउट करने के लिए ये किताब है पढ़ लो इससे हदायत मिलेगी लेकिन देखो इसको पढ़ने इसको समझने में अगर कहीं तुम्हें इबाम होने लगे कोई शुभ होने लगे तुम्हें कुछ सही समझ ना आए तो फिर क्या करना ये ये ह्यूमन मॉडल मौजूद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बशरी नमूना ह्यूमन मॉडल हमारे लिए पेश कर दिया सल्ला का इल्ला रहमतलिलआलमीन कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है ये अल्लाह का एहसान था सिर्फ किताब भी दे दी जाती सिर्फ कुरान भेज दिया जाता लेकिन नहीं ना जैसे कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होती है तो कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग गाइड भी देती है लेकिन बस औकात ऑपरेट करके सिखाने वाला भी होता है तो उस पर अमल करना आसान हो जाता है तो अल्लाह ने किताब दी और किताब का बशरी ह्यूमन मॉडल दे दिया इस किताब को पढ़ना इसके मुताबिक अमल करना किताब पर अमल में कहीं शुबा कंफ्यूजन इबाम लाहक होगा तो ये ह्यूमन ह्यूमन कंप्लीट मॉडल ऑफ कुरान मौजूद है इसको देख लेना इनके नमूने की इतबा कर लेना इनके कदमों के पीछे अपने कदम के चलते जाना तुम्हारा रास्ता जन्नत का रास्ता होगा और मोहम्मद वसल्लम को भेजने के साथ सुरन की आयत नंबर फोर्टी सिक्स मे अल्ला सुबहाना तला ने नबी वसल्लम को भेजने का मकसद भी बता दिया मोहम्मद सल <laughs> को भेजने के साथ ताकीत फरमा दी हसन देखो तुम्हारे लिए किताब मौजूद है लेकिन इस ह्यूमन बशरी मॉडल में तुम्हारे लिए बेहतरीन है बेहतरीन नमूना है कॉपी करने के लिए फॉलो करने के लिए ग्लैमराइज करने के लिए आइडलाइज करने के लिए

मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम इसमें कोई शक की नहीं है कोई ही नहीं है कि इस उम्मत के लिए जिसको रोल मॉडल बनाया जा रहा है आप बेहतरीन अखलाक के पैमाने पर फाइज हैं आपका अखलाक कैसा हजरत आयशा रजी अल्लाह तहा से सवाल किया गया कि नबी वसल्लम के अखलाक कैसे थे तो हजरत आयशा रजील तहा ने हैरत से पूछा था क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा मतलब तुम मुझसे नबी नबीम के अखलाक के बारे में पूछते हो तुमने कुरान नहीं पढ़ा और फिर अल्लाह तआला रजील्ला ने जवाब दिया गाना कुरान कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के, के बारे में क्या पूछते हैं उनकी शान जिनके लिए अल्लाह ने कुरान में इन नलो के नजीम कहा है उनके आखलाक तो नमूना कुरान थे आप समझ आए अल्लाह ने कुरान दिया कुरान के लिए नमूना कुरान दिया नमूना कुरान को बेहतरीन अखलाक के साथ दिया और फिर ये सारा कुछ देने के बाद कहा कि अब इस अखलाक का नमूना तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना और बेहतरीन उवा है और फिर दोहरा लीजिए की आयत नंबर छतालीस में अल्लाह ने फरमा दिया पिछले नबियों को भी और मोहम्मद को भी भेजने का मकसद वामा अरसल वामा अरसल्ला हमने कभी कोई रसूल नहीं भेजा लेकिन उसको भेजने का मकसद सिर्फ और सिर्फ हमेशा नबियों को भेजने और नबियों की नबूवत और बासत का मकसद हमेशा और हमेशा सिर्फ ये रहा है कि अल्लाह के हुक्म के साथ उनकी अतात की जाए यहाँ तरह रुक के सोच लीजिए सुरानसा में अल्लाह नबूवत का मकसद बात सूत अंबिया का मकसद क्या बता रहे हैं कि उनकी इतबा की जाए नबी को सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत अदब एहतराम और अकीदत के लिए नहीं भेजा जाता हाँ नबी से मोहब्बत के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं इस रूए जमीन पर तमाम इंसानों से ज्यादा गालिब मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी तो ईमान मुकम्मल है हदीस बताती है आप फरमाया बुखारी की हदीस है में से किसी शख्स का ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं जब तक मैं उसको सबसे ज्यादा महबूब ना हो जाऊं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात जब से सबसे ज्यादा महबूब ना हो जाए ईमान मुकम्मल नहीं है आपको पता है कि मोमिन के ईमान की तकमील के लिए मोहब्बत का पहला पैमाना कुरान कहता ना वाला आमनू आमनू अशददुहबले मोमिन होते हैं जो अल्लाह की मोहब्बत में शदीद हैं और फिर अल्लाह की मोहब्बत के बाद अगली मोहब्बत जो सब मोहब्बतों पर गालिब होगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अदब अकीदत एहतराम इसके बगैर दीन इस्लाम ईमान मुकम्मल नहीं है लेकिन ये कुल ये कुल रवैया नहीं है मोहब्बत अदब अकीदत एहतराम के साथ जिस असल मकसद के लिए ये सब कुछ करवाया जाता है वो इत्तेबा है। इत्तेबा का मतलब क्या है इत्तेबा का मतलब है पैरवी करना पीछे चलना टू फॉलो द वुड स्टेप्स और मैं अगर आपको लफसी मतलब और कैफियत इत्तेबा की बताऊं इत्तेबा कैसे पीछे चलना है इत्तेबा किए जाने वाला शख्स आगे चलता जाता है और इतबा करने वाला उसके पीछे पीछे मसलन आप ऐसे सोच रहे हैं कि एक शख्स है साहिल समुंदर पर चल रहा है साहिल समुंदर पर क्या होता है रेत होती है ना रेत के ऊपर नक्शे कदम बहुत अच्छी तरह वजह होते हैं अब जिसकी पैरवी करनी है वो तो अपने कदमों के निशान मुरतब करके आगे चल के चला गया वो पीछे मुड़ के देख भी नहीं रहा वो पीछे आने वाले को चेक भी नहीं कर रहा सुपरवाइज भी नहीं कर रहा सर्वेलेंस और चेकिंग और मॉनिटरिंग भी नहीं कर रहा वो तो चल के चला गया पीछे आने वाला इतबा और पैरवी करने वाला कब इतब करेगा जब आगे जाने वाले के एन कदमों के ऊपर कदम रख के चलेगा तो इसको कहेंगे इतबा इतवा क्या नबियों को क्यों भेजा था रहमत आलमीन मोहम्मद को इतना खूबसूरत उस वक्त उन देकर क्यों भेजा था कि हम सिर्फ मोहब्बत करें आज मोहब्बत है अतब है अकीदत है बहुत ज्यादा एहतराम है और मोहब्बत और अकीदत के बहुत लंबे लंबे दावे भी हैं रिक्शाज के पीछे वाहनों के पीछे क्या लिखा होता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान भी कुर्बान कुर्बान है हाँ, है और आज आप देखें तो इस मोहब्बत और अकीदत और अतब और एहतराम के इजहार के बहुत से तरीके भी मौजूद हैं लंबी लंबी शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैलियां निकाली जाती हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बड़ी बड़ी रैलियां निकाली जाती हैं बड़े बड़े जुलूस बर्पा किए जाते हैं नातिया मुशायरों का इनका किया जाता है नात खाने की महफिलें बर्पा की जाती हैं दरूद की महफिलें बर्पा की जाती हैं लेकिन यही रैलियां निकालने वाले यही जुलूस निकालने वाले इन्हीं नातिया मुशायरों को मनकद करने वाले यही दरूद की महफिलें अरेंज करने वाले यही नाते पढ़ने वाले इनको जब कहा जाए कि आओ ये सब करने के साथ साथ असल काम इतबा करो तो शायद उनको साम सूख जाता है जिंदगी का तरीका सुन्नत के मुताबिक नहीं बदला जाता और सिर्फ अकीदत और अदब और एहतराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा इसलिए नहीं किया था कि सिर्फ मोहब्बत अदब अकीदत एहतराम हो या जबानी दावे और अमली इजहार तो हो लेकिन बा ना हो आपसे मोहब्बत भी इसीलिए करने को कहा गया आपकी अकीदत अदब एहतराम भी इसीलिए करवाया गया ताकि अंधी पैरवी और अंधी तकलीफ हो ताकि इंसान कलमा पढ़ने के बाद इतबा सुन्नत करने के बाद अति रसूल सल्लाम करने के बाद नमूना कुरान बन जाए मोमिन बन जाए ये है वो मकसद जिसके लिए अंबिया को भेजा गया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन उस साथ हमारे लिए वर्किंग ह्यूमन मॉडल बनाया गया था हदीस को और सुन्नत को सीखने पढ़ने समझने का मकसद भी ये है अल्लाह ने कुरान में एक जगह नहीं बार बारहा भरा पड़ा कुरान त्र कसीर आयात अति रसूल अल्लाह सब ने निसा की आयत नंबर एटी में फरमाया वहीसूला फ़कत पर अल्लाह ने तो क्लियर दो टोक फैसला ही कर दिया सुरान की आयत नंबर 80 में जिसने रसूल सल्हसम की अतात की उस ही ने अल्लाह की अतात की यानी इस आयत में अल्लाह ने अपनी अतात को मोहम्मद सल्लाह वाले वसल्लम की अतात के साथ मशरूत कर दिया है, शर्त लगा दी है तुम अल्लाह की अतात तब तक नहीं कर सकते जब तक तुम मोहम्मद सल्लाह वाले वसल्लम की अतात और पैरवी ना करो क्या मतलब है इसका मैं रसूल अल्लाह, पहला मतलब यह है मशरूत है अल्लाह की अतात के लिए दूसरा मतलब ये कि अल्लाह की अतात भी कबूल नहीं होगी जब तक साथ मोहम्मद सल्लाह वसल्म की अतात ना हो अल्लाह की अतात अल्लाह की बंदगी अल्लाह की फर्मा बरदारी अल्लाह के हाँ कबूल ही तब होगी जब अल्लाह के साथ मोहम्मद सल्लासम की अतात शामिल उसकी कबूलियत के लिए शर्त है उसकी तकमील के लिए शर्त है उसके सही और दुरुस्त होने के लिए शर्त है कुरान मुकम्मल नहीं होता जब तक हदीस और सुन्नत की तशरी मौजूद ना हो मसलन अगर मैं आपसे पूछूं जरा सा जहन लगाएं और वैसे उन लोगों को भी मैं कह दफा यही कहती हूं आज हमारे मुल्क में हिंदुस्तान के इलाके में एक बाकायदा तहरीक है इस्लाम जिराजपुरी एक शख्स ने यह तहरीक का आगाज किया जिसे कुरान काफी तहरीक कहा जाता है और ये कुरान काफी तहरीक के लोग क्या कहते हैं हमें कुरान काफी है वो कहते हैं कि हमें हदीस और सु... हदीस और सीरत तो सुन्नत की नाउज बिल्ला सुमह नाउज बिल्ला मिनजाले की उसकी जरूरत ही नहीं है कुरान इज सफिशेंट फॉर अस कुरान की हदीस मुन, के मुनकरीन भी हैं हदीस के ये मोतरजीन भी हैं और कहते हैं कि हम सिर्फ कुरान को रिजॉर्ट करते हैं अल्लाह हु अकबर सिर्फ कुरान को अगर रिजॉर्ट किया जाए तो दीन मुकम्मल ही नहीं हो सकता कुरान की तशरीह ही नहीं हो सकती कुरान के अहकाम की, की तकमील ही नहीं हो सकती मसलन कलमा को कलमा पढ़ने के बाद दायरा इस्लाम में दाखिल होने के बाद सबसे पहला अमल क्या करता है नमाज नमाज के लिए कुरान ने क्या कहा है सलाता और क्या कहा गया नमाज कायम करो औकात क्या होंगे डिफ्यूज़ डिफ्यूस खाका कुरान में मौजूद है क्या औकात होंगे कब शुरू होगा कब खत्म होगा किस नमाज का वक्त लोगों को गैदर कैसे किया जाएगा अजान कैसे होगी अजान के कलमात क्या होंगे अकामत कैसे होगी जमात कैसे होगी कयाम कैसे, कैसे होगा क्याम में हाथ कैसे रखेंगे क्याम में क्या पढ़ेंगे रकू कैसे होगा रकू में क्या करेंगे क्या पढ़ेंगे सजूद कैसे होंगे सजूद में क्या पढ़ेंगे पोजिशन क्या होगी पॉस्चर क्या होगा एटीट्यूड क्या होगे कलमात क्या होंगे कौन बताता है कुरान कैसे पढ़ेंगे नमाज सलाता की तशरी कैसे होगी हो ही नहीं सकती जब तक हदीस और सुनत की तश्ीसात मौजूद ना हो ये है शर्त अल्लाह की अतात की नमाज तक एक कलमा गोन नहीं पढ़ सकता एक इतिहाद के तरीके से एक यूनिफाइड तरीके से जिसका दिल करेगा जैसे मर्जी पढ़ने लगेगा क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है कब पढ़ना है कुछ नहीं पता चलता जब तक सुन्नत और हदीस को ना मिलाया जाए इसी तरह तहारत को देख लीजिए अत और ईमान आदाई मान नस्फ मान क्या है तहारत तहारत के अहकाम युबुल अल्लाह पाक साफ रहने वालों को पसंद करता है इसी तरह के कुछ और अहकाम कुरान में आ गए का वतिर मोहम्मद को फरमाया कि अपने लिबास को पाक रखें पाकि और तहारत की ताकीद की गई हाँ वजू के तयम के तरीके सिखाए गए गसल की हल्की सी तमहीद बताई गई लेकिन गुस्सा तहारत ये सारे मसाइल कहां से आते हैं से ना नमाज, ना नमाज़ तो कुरान ने तोबा की आयत नंबर में सिर्फ मदात बता दी कि जकत कहां दोगे कितने सोने पे कितनी चांदी पे कितनी शराब कब कहां कौन ये सब वजहत कहां से आई ना नमाज पढ़ी जा सकती है ना जकवात दी जा सकती है ना तहारत मुकम्मल होगी जब तक कुरान की तशरी हदीस और सुन्नत के जरिए मुकम्मल नहीं की जाएगी आप समझ आया इसीलिए मशरूत कर दिया गया है वह मैं रसूल जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लाम की अतात की उस ही ने अल्लाह की अतात की अल्लाह की अतात हो नहीं सकती कुरान की अतात हो नहीं सकती जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और सुन्नत का इत्तेबा ना हो इसीलिए अल्लाह सुबहान तला ने सुन्नत के इत्तेबा की ताकीद मुख्तलिफ तरीकों से की सुरान फाल की आयत नंबर 20 अल्लाह सुबहाना तला फरमाते हैं अति उल्लाह वत रसूल अल्लाह के अतात करो अल्लाह के रसूल सलाम के अतात करो वाल तुम तस्मा देखो सुनते जानते बूझते हदीस और सुन्नत को जानते बूझते सुनते वैसे मुंह ना मोड़ना वलत गजी ना वह यसमाउन उन लोगों की तरह ना हो जाना जो कहते हैं कि हम सुनते हैं और वो सुनते नहीं हदीस को सुनने के बाद सुन्नत को सुनने के बाद सीरत के तरीकों को सुनने के बाद सुनी अन सुनी ना कर देना एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल ना देना सुनने के बाद अमल से रुक ना जाना कुरान का ला है वाला का लज़ीना और क्या करना मुंह फेरना सुनत को सुनने के बाद सुरहशर सुरहशर की आयत नंबर सेवन में अल्ला ताला ने फरमाया तो टोक ताकि क्लियर कैटेगोरिकल ताकीद्ला ने फरमा दी वमा ताकुमर रसुल्फजू हो जो चीज तुम्हें मोहम्मद सल्लास दे दें आपने क्या दिया आपने हम तो कुरान भी दिया हदीज़ सुन्नत मता को मुरोसुल्फूह हो उसको थाम लेना उसको पकड़ लेना नहा को मन हो फंत हु। और जिस चीज से वो तुम्हें रोक दे उससे जाना कितना कैटेगोरिकल कितना क्लियर कट हो कम है सिर्फ कुरान के डूज एंड डोंट्स नहीं है जिस चीज से हदीस तुम्हें रोक दे के ये काम ना करना चाहे वो शराब है चाहे वो सूद है चाहे वो मौसीकी है मैं इसलिए बता रही हूं ये चीजें कि बस अवकात लोग शराब की हरमत पर यकीन नहीं करते हालांकि हदीस में वाजल अल्फाज मौजूद हैं मौसीकी के हवाले से बात नहीं मानते हालांकि वाजल अलफा हदीस में मौजूद हैं तो जिस चीज़ से हदीस तुम्हें रोके उससे रुक जाओ और जो जो चीज़ें तुम्हें हदीस और सुनत देती जाए उनको थामे रखो और सिर्फ उनको थामना से ज्यादा ना थामना फ़ायदा क्या होगा हदीस और सन्त के मुताबिक अमल करने से फ़ायदा क्या होगा इसको सीखेंगे इसको पढ़ेंगे इसको समझेंगे और उसके मुताबिक अमल करेंगे इतफ़ा करेंगे अतात करेंगे फ़ायदा क्या होगा सूरा निसा की आयत नंबर सिक्सटी फोर अल्लाह फरमाते हैं देखो कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह और अल्लाह के रसूल सलि की अतात करो ताकि तुम पर रहम किया जाए लाल लकुम तो रहमून लाला का मतलब आप तर्जुमे पर पढ़ेंगे ताके या शायद तो अल्लाह के रहम और अल्लाह की रहमत के शामिल हाल होने के लिए जरूरी है कि अल्लाह के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात की जाए अति और अतिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और क्या मिलेगा सुरहजाब की आयत नंबर सिक्स सेवेंटी वन सुरहज़ाब में अल्लाह वादा फरमाते हैं व वो फकमा ये याद रखना आयत नंबर इकहत्तर में अल्लाह ने कैटेगोरिकली फरमा दिया जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात की फ़कत फौज़न अजीमा फ़कत का मतलब बस यकीन सुपरलेटिव कामयाबी में वही कामयाबी और फौजन अजीमा बहुत बड़ी अजीम शान कामयाबी मिलेगी उस शख्स को एक और जगह कामयाबी फरमाई नूर के आयत नंबर 52 में वो मैं तो अल्लासूल यक्ष जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्म की अतात करेगा और अल्लाह से डरेगा वक और अल्लाह का तकवा करेगा फाउलाए का होाजून यही कामयाब होने वाले कामयाबी का दारो मदार फिर अल्लाह के साथ अल्लाह के रसूल सलम की अतात और फरमा बरदारी पर कौन सी कामयाबी दुनियावी और उखरवी कामयाबी के लिए अति के साथ अति रसूल सल्ला वसल्लम लाजिम तो ये जहन नशीन कर लीजिए जब तक हदीस और सुन्नत का इतबा नहीं होगा कामयाबी नहीं होगी जिंदगी में इतबा कैसे हदीस और सुन्नत के बताए हुए वज़ा किया किए हुए तरीक़े के मुताबिक खाना है पीना है सोना है जागना है लिबास बुदोबाश ख़ुशी ग़मी वलादत वफ़ात कारोबार जिंदगी का हर शोबा हर सफेयर ऑफ़ लाइफ हर फील्ड ऑफ़ लाइफ में अल्लाह के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम का बताया हुआ तमदन सकाफत समाज का निज़ाम मीशत का निजाम माशरत का निज़ाम हुकूमत का निज़ाम सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़ा करता होगा तो कामयाब होगे ऐसे ही अफराद कामयाब होंगे ऐसे ही घराने कामयाब होंगे ऐसे ही माशरे कामयाब होंगे ऐसी ही कौमें और ऐसी ही उम्मत हुफायजून कामयाब होगी दुनिया और आखरत की कामयाबी का तरीका इसी तरह सूर निशाह की आयत नंबर तेरह में भी अल्लाह ने फरमाया कामयाबी कैसी दुनिया में, 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 हम में, का। में भी सरफराज हो गए दुनिया में भी फायज हो गए और आखरत में जो अल्लाह के साथ अल्लाह के रसुल्हलम की अतात करेगा उसको हम हमेशगी के बागों में दाखिल करेंगे वालिकल फौजीम यही तो सुपरलेटिव कामयाबी है अल्लाह हमें इस कामयाबी का हरीस बना दे Allah, इस कामयाबी को हासिल करने के लिए इस अजीम को समेटने के लिए अल्लाह हमें हदीस को सीखने उसको समझने उसको पढ़ने जौक और शौक़ से उसको अपनी जिंदगी में राइज करने की तौफीक अता फरमा दे अच्छा जी सुन्नत का इत्तबा करने वालों अजीम युद्ध जन्नतिन तजरी मिन हल अनहार जन्नत में इनका ठिकाना क्या होगा सुरानसाह की आयत नंबर सिक्सटी नाइन अभी आपने देखा कि वो कामयाब होंगे फिर आपने देखा कि सबसे बड़ी कामयाबी मिलेगी फिर अल्लाह ने बताया असल कामयाबी क्या मिलेगी जन्नत में दाखिल होंगे अब सुरानस की आयत नंबर सिक्सटी नाइन बताती है कि जन्नत में कहाँ होंगे बहुत प्यारी आयत अल्लाह ने फरमाया वहीं वसूल बात वहीं पर घूम रही है बस वह चरखी का पहिया वहीं घूम रहा है अल्लाह के साथ अल्लाह के रसूल सरसम की अता जिस शख्स ने भी अल्लाह के साथ अल्लाह के रसूल की अताद की फाउलाजीनामल वो लोग ज्योतिल्ला वति रसूल सलासलम करते हैं वो जन्नत में किसके साथ होंगे उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह इनाम करेगा एक कामयाबी दुनिया की उसके बाद जन्नत और जन्नत में ठिकाना किनके साथ होंगे जिन पर माल लजीना कौन से लोग من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين یہ چار لوگوں کی رفاقت ملے گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کریں گے نبی شہداء صالحین صدیقین اور آه پھر اللہ نے اگے تبصرہ فرمایا وحسن رفیقا دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی इतबा करने वाले उनकी अतात करने वाले उनकी पैरवी करने वालों को हसुन उलाय का रफीका इनको कैसे अच्छे दोस्त मिलेंगे इनको कैसे अच्छे रफीक मिलेंगे इनकी रफाकत में नबी शहीद सालेहीन सिद्दीकीन होंगे कितने प्यारे इनाम हैं अल्लाह इन्हें इनाम की हिरस में हदीस सीखने का शौक और शौक अता फरमा दे उस इल्म का हिफ्स अता फरमा दे और अल्लाह ऐसा इल्म और ऐसा हिफ्स कि खुले दिल से उसको जानते जाएं और उसके रंग में अपने आप को रंगने वाले खुश नसीब बन जाएं। एक और बहुत ही प्यारी आयत है मुझे बहुत प्यारी लगती है सुरान की आयत नंबर थर्टी वन इकत सुनत से क्या मिलेगा बस अवकात लोगों को ना हम कुरान पढ़ाते हैं आदाब जिंदगी सिखाते हैं और हम आदाब जिंदगी और मसनून तरीकों पर बहुत ज्यादा जब ताकद कर रहे होते हैं पानी पियो तो ऐसे पियो सो तो ऐसे सो लिबास उतारना लिबास पहनना मोजे उतारना मोजे पहनना जूते उतारना सवारी पर चढ़ना घर में दाखिल होना अभी जब आदाब ज़िंदगी की बातें और मसनून तरीक़ों की बात होती है तो बस औकात वो जो पढ़ा लिखा था तबका होता हुआ कहते हैं ये पता नहीं कुरान पढ़ने वालों को क्या मसला है छोटी छोटी चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है मैं मोजा कौन सा पहले पहनूं और कौन सा बाद में पहनूं बहुत फ़र्क पड़ता है सुनान इमरान की आयत नंबर थर्टी वन में अल्लाह फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मुखातिब करके फरमाया कुल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनको बता दीजिए आप इनको अनाउंस कर दीजिए तुम तो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो है अल्लाह से मोहब्बत हम सबको अल्लाह से मोहब्बत है दावा भी करते हैं अभी मैंने आपको पीछे बताया कि ईमान मुकम्मल नहीं है ना मोमिन की क्या है वजी ना अमनु मोमिन तो अल्लाह की मोहब्बत में तमाम मोहब्बतों पर शिद्दत रखता है तो अल्लाह ने फरमाया कुल तुम तो हब्बून अल्लाह देखो अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो कहते हो अल्लाह से मोहब्बत करते तो फिर क्या करो सिर्फ अल्लाह से खाली बोली मोहब्बत ना करो फूनी अल्लाह से मोहब्बत का दावा करने वाले अल्लाह से मोहब्बत का इकरार और ऐलान करने वालों मोहब्बत को सच्चा साबित करने के लिए अल्लाह के महबूब का इतबा करो यह कैसी मोहब्बत है कि तुम अल्लाह के महबूब का इतबाही नहीं करते तो अच्छा, इतबा करो अगर अल्लाह की मोहब्बत करते हो तो अच्छा इतबा करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा फरमाते सुबह अल्लाह तुम अल्लाह के महबूब मोहम्मद सलम का इतबा करने लोगे उनको कॉपी उनको ग्लैमराइज उनको आइडियालाइज करने लोग तो फिर अल्लाह क्या करेगा तुम्हारे साथ मामला तुम उसके महबूब को कॉपी करोगे अल्लाह तुम्हें अपने महबूब बंदों की सफ में शामिल कर लेगा तुम उसके महबूब की तरह सोने की कोशिश करोगे उसके महबूब अलैहि वसल्लम की तरह चलने की कोशिश करोगे उनकी तरह खाओगे उनकी तरह पियोगे उनकी तरह के अखलाक उनकी तरह लिबास उनकी तरह की शादी उनकी तरह की खुशी उनकी तरह की गमी अडॉप्ट करने की कोशिश करोगे अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा उसके महबूब की अदाएं अपना के तो देखो अल्लाह के महबूब बंदों के सब पे शामिल हो जाओगे अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा और आपको पता है अल्लाह जैसे मोहब्बत करता है फिर अल्लाह पहले फरिश्तों के दिलों में फिर सारी कायनात के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देता है आप समझ आए ये पे माह सिर्फ एक इनाम नहीं है अबल तो ये इनाम ही बहुत बड़ा है सारी दुनिया का मालिक सारी दुनिया का हाकिम अगर हमसे मोहब्बत करने लगे सुन्नत के इतबा में तो छोटा ही नाम है अल्लाह फिर क्या करेगा जब वो तुमसे मोहब्बत करने लगेगा ना तो फिर दूसरा काम करेगा वो, फिर वो तुम्हारे गुनाह भी बख्श देगा तुम उसके महबूब को कॉपी करोगे उसकी महबूब की अदाएं अपनाओगे वो तुमसे मोहब्बत करेगा और फिर तुम उसके ऐसे महबूब बन जाओगे तुमसे जो छोटी मोटी कमियां कुताइया हो गई हैं उनको दरगुजर कर देगा उनको इग्नोर कर देगा उनको बख्श देगा बख्शिश गुनाहों की बख्शिश और अल्लाह की मोहब्बत इनाम है इतबाई सुन्नत मोहम्मद वसल्लम का अब समझ आया सुन्नतों को क्यों मानना है सुन्नतों को क्यों अपनाना है मैं एक तरह से पानी क्यों पीऊंगी बैठ के तीन सांस लेके बर्तन में सांस लेके अब बल तो ये सारी सुन्नतें मेडिकल फवायद देती हैं हमारी सेहत हमें और बहुत सी चीज़ों के फायदे देती हैं लेकिन कभी दुनियावी फ़ायदों के लिए नहीं इतबाही सुन्नत की नीयत से करेगा जब कोई शख्स अमल तो उसका वो अमल इबादत बन जाता है ये बात जहन नशीन कर लीजिए जब कोई काम सुनत रसूल सल्लल्लाहु वसल्लम के तरीक़े से किया जाए और महज़ इसलिए किया जाए कि ये मेरे महबूब अलैहि वसल्लम की सुन्नत है तो वो अमल इबादत बन जाता है और उस इबादत के बदले अल्लाह की मोहब्बत मिलती है और गुनाहों की बख्शिश मिलती है अब पता चला सुनो तो को क्यों मानना है अरे सीधे तरीके से समझे ना जितनी देर आप और मैं जाग रहे हैं बहुत से काम ऐसे हैं जो मैंने और आपने करने ही करने हैं क्या खैर लिबास बदलना कुर्ता उतारना भी है पहनना भी है जूता उतारना भी है पहनना भी है पानी पीना भी है सवारी पर चढ़ना भी है सवारी पर सवारी से उतरना भी है घर से निकलना भी है घर से दाखिल भी ये सारे काम तो इनविटेबल है हमने करने ही करने हैं। अगर ये अपने रूटीन की आदत के मुताबिक किए तो बस सिर्फ काम होगा लेकिन अगर ये सारे काम सुन्नत रसूल वसल्लम के इत के मुताबिक हुए तो ये अमल जो मैंने बाहर कैफ करने ही करने हैं ये अमल नेकी का जरिया बन जाएंगे ये अमल इबादत का जरिया बन जाएंगे ये अमल अल्लाह की मोहब्बत का वसीला बन जाएंगे और ये अमल गुनाहों की बख्शिश का जरिया बन जाएंगे मुझे बताएं सौदा सस्ता है कि नहीं अब समझ आई इतबा क्यों करनी है बस अवकात लोग कहते हैं क्यों मैं खास तरीके से जूते पहनू उतारू क्या आफ्टरऑल वट हेल डज इट इट मैटर्स अरे मेरी आकबत संवर जाएगी मेरी दुनिया बदल जाएगी मेरा खलूद से निजात हो जाएगी मैं हकमीन की महबूब बन जाऊंगीट so मैं क्यों रेजिस्ट करूं मैं क्यों ना वैसे कर लूं जैसे बेहतरीन नमूने ने करके दिखाया अल्लाह अल्लाह मोहब्बत रसूल वसल्लम से हमें आशना कर दे और अल्लाह इस मोहब्बत में आके अपनी जिंदगी की कुल तरीकों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनत और हदीस के रंग में रंगने वाला खुश नसीब बनाते अब समाप्त कर लीजिए हदीस और सुनत के इतबा से क्या मिलेगा लालकुम तुरुन अल्लाह रहम करेगा रहमत लाही शामिल हाल होगी अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी अल्लाह गुनाहों को बख्श देगा सुनत के इतबा वाला अमल नेकी का जरिया बनेगा हब्ब इलाही का जरिया बनेगा फौजुल अजीम उलाय का होमल फाइजून कामयाबी मिलेगी दुनिया की आखरत की नाकामियों से निजात मिलेगी जन्नत में दाखिला होगा जन्नत का ठिकाना किसके साथ होगा मजीन अलैहिम अंबिया, सही शहदा अल्लाह आयात और इनायात का पैगाम हमारे दिलों में रसिक कर दे, इस बेहतरीन अज़ीम के हिर्स में हमें हदीस सीखने का जौको शौकता दे और अल्लाह शौक के बाद खुले दिल सर ईमान के साथ उस पर अमल की तोहफी फरमा दे अच्छा जी नुकसान क्या है हदीस को नाम मानने का सुनत के मुताबिक अमल ना करने का नुकसान क्या है? अभी आपने फायदे देखे हज़ाब में अल्लाह फरमाते हैं वो मैया हो जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सलम की नाफरमानी करेगा फकत जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल सलम की नाफरमानी की फकद कद का मतलब क्या है इसमें यकीन शॉर्ट शॉर्ट कोई शक ना छोड़ना इसमें जोला भटक गया जोला लंबईदा बड़ी दूर की गुमराही में भटक गया अरे सराते मुस्तकीम से भटक जाएगा जन्नत का रास्ता खो देगा रब पसंद रास्ता उसको नहीं मिलेगा अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल सराय की नाफरमानी की अमल बर्बाद हो जाएंगे सराह मोहम्मद के आए तो वह तैतीस में अल्ला फरमाते हैं या याजीना व रसूला ईमान लाने के बाद क्या करना अल्लाह के साथ अल्लाह के रसूल वसलम की अतात करना वल्ला तब तिल हुआ और अपने अमल को बर्बाद ना करना जिस अमल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात नहीं होगी वो अमल बर्बाद है अमल क्यामत के दिन कबूल नहीं होगा याद रखिएगा क्यामत के दिन अमल की कबूलियत के लिए ईमान जरूरी है और अमल का कुरान और हदीस के पैमाने पर होना दुरुस्त है कोई अमल चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो अगर कुरान और हदीस के पैमाने से हटा हुआ होगा अल्लाह कुरान में फरमाता है हम इसको कैसे उड़ा देंगे हबाम मुनबस्त धूल बना के उड़ा देंगे हक बना के उड़ा देंगे कबूल ही तो नहीं होगा अमल अगर कुरान और हदीस के पैमाने के मुताबिक अमल नहीं होगा कुरान और हदीस के डूज एंड डोंट्स के रंग में नहीं होगा मुन बस सौदा दिया जाएगा खाक बना के धूड़ बना के उसको कोई वजन नहीं मिलेगा वाला तुब अमल को अमल बर्बाद हो जाएंगे अमल हो बा, जाएंगे अगर अभी का इत्तबा न हुआ तो ईमान नहीं रहेगा निसा की आयत नंबर पैंसठ सिक्सटी फाइव में अल्लाह ने कैटेगोरिकली फरमा दिया फला फला का मतलब नहीं बस नहीं कसम है तुम्हारे रब की अल्लाह सुबहाना ताला ने अपनी जकदस की कसम खाकर एक बात कह दिया नहीं ये नहीं हो सकता ला यो बस नहीं कसम है मेरी जात की वो शख्स ईमान ही नहीं, नहीं लाता अल्लाह अकबर अल्लाह ने अपनी जात की कसम खाकर कह दिया कि उस शख्स का ईमान मेरे हाँ ईमान नहीं है वो कलमा पढ़े कलमे का इकरार करे इस्लाम का ऐलान करे इस्लाम का दावा करे उसका ईमान मेरे यहाँ ईमान नहीं है उसका ईमान अल्लाह ने कसम खाकर अपनी जात की फरमा दिया उसका ईमान मेरे यहाँ मोहतबरी नहीं है एक्सेप्टेबल ही नहीं है काबिल कबूल ही नहीं है मेरे यहाँ ईमान नहीं है तो अमल कहाँ कबूल होगा फला विकला यो मिन कसम है तेरी जात की वो लोग ईमान नहीं लाते कौन से लोग हता यो हक के मुंह फीमा शाजरा बना यहाँ के वो लोग मोहम्मद वसल्लम के पैरों में से वो लोग जो अपनी जिंदगी के फैसलों के लिए मोहम्मद वसल्लम को अपना हकम नहीं बनाते अपना हकम नहीं बनाते आपस के तनाजे आपस के झगड़े जिंदगी के फैसलों में हकम और फैसला नबी वसल्लम की हदीस और सुनत के मुताबिक अगर नहीं करते सुमला जदूफी अनफुसैम हर जन में मक़दा और यूसलम तस्लीमा कितनी बड़ी बात है में अल्लाह ने फरमाया मैं फिर समझा रही हूं अल्लाह ये चीज हमें समझा दे देखो अगर कलमा पढ़ने के बाद तुम अपनी जिंदगी के झगड़े तनाजे मसले फैसले फैसले करते हैं जिंदगी में जिंदगी में बहुत से फैसले इंसान करता रहता है बड़े बड़े फैसले सूद लू ना लू अरे सुबह से शाम तक हम फैसलों के दोराहों पर चराहों पर तो खड़े हुए हैं मैं ये खाऊं ना खाऊं ये पीऊं ना पीऊ ये पहनूं ये ना पहनूं फला कॉन्सर्ट से दावत आई है जाऊं ना जाऊं बेटी का रिश्ता यहां करूं ना करूं बेटे की बारात लेके जाऊं ना जाऊं बेटी को जहेज देके के रुखसत करूं ना करूं ये क्या है फैसले नहीं है तो और क्या है बेटी को अपनी बहन को अपनी विरासत में से हिस्सा दूं ना दूं सूद पे लोन लूं कि ना लूं ये सब क्या है फैसले ही तो हैं। अल्लाह ने फरमा दिया कि जब तुम अपनी जिंदगी के झगड़ों तनाजों और फैसलों का डिसीजन लेते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और सुन्नत की तालीमत को अपना हकम नहीं बनाते अपना पैमाना नहीं बनाते अपना रहबर और गाइड नहीं बनाते तुम्हारा ईमान मोतबर नहीं है और फिर फैसला करते हुए हकम बनाने के बाद जो फैसला तुम्हें हदीस और कुरान दे दे तुम्हें फैसला हदीस और सुन्नत सिखा दे जो लाए अमल तुम्हें हदीस और सुन्नत दिखा दे उस फैसले को तस्लीम करने के बाद तुम्हारे दिल में तंगी भी ना हो बस अगर तंगी आ जाती है बेटी की शादी का मौका है अच्छा मैं बेटी को जहेज दू के ना दू क्या करेंगे फैसला कहां से करेंगे डिसीजन मेकिंग है दू के ना दू बरी तो कह रही है दो मेरी बहन मेरा भाई आके कह रहा मत मारी भी है जहेज नहीं तूने देना सारी जिंदगी तेरी बेटी को नक्कु बना देंगे सारा ससुराल तेरी बेटी को ताने तिशने देगा जड़ से उखड़ी हुई सब्जी बन जाएगी हाँ सोचना भी ना क्या करूं अच्छा चलें सीना ते। उस रसूल देखता हूँ देखा खोला फातिमा बिनते मोहम्मद वो फातिमा बिनते मोहम्मद जिनके लिए आपने फरमाया था फातिमा मेरे जिसम का टुकड़ा है, तो है जहेज की रुख्सत हुई हजत जिनके लिए आपने फरमाया था सबसे महबूब कौन मर्दों में कौन का बगैर जहेज के आई बगैर जहेज के बेटियां गई बगैर जहेज केहेज नहीं देना ये तो फैसला हो गया मैंने इसको हकम बनाया ईमान पूरा हुआ लेकिन फैसला तस्लीम करते हुए कैसे नहीं दूंगी बड़ा नुकसान होगा बड़ी तकलीफ होगी मेरी बेटी को बहुत प्रॉब्लम आएगी उनके घर में ऐसी नहीं है मेरी बेटी आसी की गाड़ी की आदि है क्या बनेगा मुश्किल आएंगी नहीं ईमान मतबर नहीं हदीस और सुन्नत के फैसले के बाद मेरे दिल में तंगी भी ना आए अगर मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे रुख्सत किया था तो मैं भी ऐसे रुखसत करूंगी दिल में तंगी भी ना आए वहीसलम वो, वो तस्लीमा और फिर अच्छी तरह से मुकम्मल तरीके से तस्लीम करें चलो एक ऐसी दे देती हूँ चारनी देती चलो बेडरूम का सामान दे देती हूं ड्राइंग रूम का ना वयुसलीम तस्लीम यह है ईमान का पैमाना अगर इतबा सुन्नत इतबाई हदीस अताते हदीस ऐसे ना हुई कि दिल में तंगी भी ना आई दिल में खराश भी ना आई दिल में शक भी ना हुआ और मुकम्मल इतबा हुई तभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल है अगर दिल डामा डोल होने लगा अगर इतका में आधा तीतर आधा बटेर होने लगा ईमान मुकम्मल नहीं है अरे जिसका ईमान मुकम्मल नहीं जिसके अमल बातिल हो गए उसका मामला क्या है अल्लाह ने सब तौर पर सुराल इमरान के आयत नंबर बत्तीस में अनाउंस कर दिया अल्लाह प्रनाउंसिस क्लियरली अतिफाफाइनबुल चले जी फैसला हो गया ऊपर अल्लाह ने कहा था हकम नहीं बनाओगे दिलों में तंगी पाओगे पूरी तस्लीम नहीं करोगे ला युमिन ला युमिन तो फिर क्या है काफिर है अल्लाह ने बता दी सुरान इमरान अल्ला ने बता दिया देखो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सलासम की अतात कर लो अगर अताात नहीं करोगे हदीसन् से रूहदानी करोगे मुंह मोड़ोगे फिर याद रखना अल्लाह काफरों से मोहब्बत नहीं करता अल्लाह काफरों से महब्बत नहीं करता ईमान नहीं है अमल खारिज है और अतात में कमी करने वाला इस आयत की रू से अल्लाह की मोहब्बत से भी महरूम है और काफरों की सफ पे शामिल इसी तरह सुरफ की आयत नंबर सत्रह सेवनटीन अल्लाह फरमाते हैं वमन मैय अल्लाह व रसूल युद्ध खिलोज इजीब तख्त हल अनहार वमैत जो अल्लाह और अल्लाह के रसुल सरासिन की एता करेगा उनको तो हम तो जन्नत में दाखिल करेंगे जो मुंह फेरेगा सुन ली हदीस जान ली सीरत जान ली उसवा का नमूना कोई नहीं फर्क पड़ता आज के दौर में ऐसा नहीं हो सकता इट इज प्रैक्टिकली इंपॉसिबल उमैत यो अज हुआ का अंजाम कह गई है अल्लाह फरमा रहा है कि फिर उसको मैं दर्दनाक कसाब दूंगा ये है हदीस से मुंह मोड़ना ये है सुन्नत रसूल वसल्लम की इत्तबा की रू करतानी का अंजाम ला काफ़िरीन, पीछे था मुल्ला। यहां ला काफ़िरीन, पीछे था ईमान की तकमील पीछे था अल्लाह की रहमत यहां अल्लाह की सजा और अज़ाब अलीमा वहां त फौजन अलीमा यहां पर अजाबन अलीम आप दुनिया में भी एक एक कौम को अल्लाह सुबहाना तला ने अंजाम बताया अनफाल की आयत नंबर 46 में अल्लाह सुबहाना तला फरमाते हैं वती वती रसूल अल्लाह और अल्लाह के रसूल सरासम की अतात करो वला तनाजा आप में तनाजा ना करना ग्रो बंदी धड़े बंदी ना करने लगना मसलक परस्ती में आके अतात का पैमाना कुरान और हदीस रखना अति व रसूल वाला तनाज आपस में झगड़े ना करना आपस के झगड़े फिरके ये धड़े बंदी के खात्मे का तरीका भी अतिलावती और अलैहि वसल्लम है वाला तनाज इन दो चीजों को पकड़ लो आपस के तनाजे खत्म कर दो अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर क्या होगा फतफ शरू फिसल जाओगे वो तजा बार तुम्हारा रकोब तुम्हारा खौफ तुम्हारी हैबत तुम्हारा दबदबा वो जो तुम्हारी धाक बैठी हुई है ना तुम्हारे दुश्मनों पे वो तजहाबारी हो तुम्हारी हवा जाती रहेगी क्या करो? कुरान और हदीस पे सबर करके जमे रहो अल्लाह तुम्हारे साथ रहेगा अगर एक कौम नबी वसल्लम की सकाफत तमदन मीशत माशरत निज़ाम हुकूमत के निजाम को छोड़ देगी तो उस कौम की हवा उखड़ जाएगी उस कौम में फिर कवायत आ जाएगी तनाज़े आ जाएंगे झगड़े आ जाएंगे बाहमी नफाक आ जाएगा बाहमी नफरतें आ जाएंगी उसका रोक जाता रहेगा उसकी हवा उखड़ जाएगी आज ये हाल नजर आ रहे हैं हम कितने हल्के हैं हम कितने हल्के हैं मुसलमान आज इस्लाम फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है सेकेंड बिगेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड है सबसे बड़ा मज़हब क्रिश्चियनिटी और उससे बड़ा दूसरा मजहब इस्लाम है लेकिन इसके बावजूद हल्का है मुसलमान कितने हल्के हैं मारे जा रहे हैं काटे जा रहे हैं खुलेआम ज्यादा क्या है तुम्हारी हो जाएगी। तुम्हारा रुक जाता रहेगा आज सुन्नतें निकल गई हमारे माशे में से आज सुन्नतें उखड़ गई मुनबी साम का वाक्य मुझे याद आ रहा है साहबाकर गए हुए थे किसी जंगी मार्के में थे एक दिन हमला किया मुसलमानों को बहुत भारी नुकसान हुआ दूसरे दिन हमला किया मुसलमानों को नुकसान हुआ काफिर जो है वो गालिब आते जा रहे थे मुसलमान मगलूब होते जा रहे थे ये बैठे और इन्होंने आपस में सोचा क्या बात है अच्छी बड़ी नफरी है हमारी हमारे पास असला भी है लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ है तैयबा के बाद का मौका है क्या वजह है हम इतने हल्के क्यों होते जा रहे हैं वो हम पर गालिब क्यों आते जा रहे हैं साहबा में से किसी एक ने मशवरा दिया कि असल बात है कि हम देखें कि हमारी जिंदगियों में से कोई सुन्नत तो नहीं निकल रही आप किसी दूसरे ने मशवरा दिया कि अच्छा ऐसे करें कि हम शायद मिसवाक की सुन्नत भूल रहे हैं उन सबने क्या किया उन्होंने फौरन दरख्तों की टहनियां काटी और वो जो मशावरत के लिए सब इकट्ठे हुए हुए थे फौरन सब उठे दरख्तों की जब दरख्त मयसर थे वो दरख्तों की टहनियां तोड़िया सब मसवाक करने लगे अब जब पूरे का पूरा लश्कर मसवाक करने लगा तो दुश्मनों ने जब ये इतिहाद और ये इतफ़ाक़ देखा और उनको वैसे भी लगा ये तो अपने दांत तेज कर रहे हैं हमारे लिए उनके दिल पर ऐसा रोप तारी हुआ कि अगला मैदान जंग में मुसलमानों का पलड़ा भारी हो गया और काफरों को शिकस्त हो गई ये इतबाई सुन्नत है जब कोई मुसलमान कौम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेवा कौम जब सुन्नतों को छोड़ देगी तो हल्की ही हो जाएगी तुम्हारा रोप तुम्हारा खौफ तुम्हारा दबदबा तुम्हारी हैबत तुम्हारी इन सुन्नतों की इतबा की वजह से है हदीस के हवाले से भी कुछ हदीस मुबारक भी देख लीजिए बुखारी की हदीस ने फरमाया तुम्हें किसी शख्स का तुम में से किसी शख्स का ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक मैं उसको सबसे ज्यादा महबूब ना हो जाऊं अल्लाह के बाद मोहब्बत का पैमाना मोहम्मद वसल्लम की मोहब्बत तमाम मोहब्बतों पर गालिब होगी तो ईमान मुकम्मल होगा मुस्लिम की हदीस है आप फरमाया जिसने मेरी अतात की कुरान से भी मिलती जुलती अल्फाज ना कुरान में हमने देखा ताला ने फरमाया तो मई ते रसूल हदीस भी कहती है मुस्लिम की हदीस है जिसने मेरी अताात की उसने अल्लाह की अतात की और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की इस तरह बुखारी की हदीस है आप सहाबा अकराम की महफिल में तशरीफ फरमाते और आप सलम ने सबको मुखातिब होकर फरमाया मेरी उम्मत में से तमाम लोग जन्नत में जाएंगे सवाए उन लोगों के जो जाने का इनकार करेंगे साहबा इक्राम ने फौरन पूछा यार्नत में जाने का इनकार कौन करेगा क्या ख्याल है आपको भी यही सवाल आता है आपने फरमाया मेरी उम्मत में से सब लोग जन्नत में जाएंगे उन लोगों के जो इन उन उम्मतियों के जो जन्नत में जाने का इनकार करेंगे हैरत हुई साहब है ग्राम को के उन्ती होने के बाद कौन जन्नत में जाने का इनकार करेगा आपने फरमाया जिसने मेरी अतात की वो जन्नत में जाएगा इन उम्मतियों में से जिसने अति रसूल सलाह सरम किया आपने फरमाया जिसने मेरी अतात की वो जन्नत में जाएगा और जिसने मेरी अतात का इनकार किया उसने गोया जन्नत में जाने का इनकार कर दिया इसी तरह इब्ने माजा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़तुल विदा के मौके की एक दुआ है आप वाली वसम ने जब अपनी तबलीग के हवाले से गवाही ली और पूरे मजमा इतने बड़े मजमे ने कहा था वसल्लम आपने हम तक अल्लाह का पैगाम पहुँचा दिया फिर आपने अपनी तो शाह की उंगली को आसमान की तरफ उठाया था और फरमाया था अल्लाह गवाह रहना अल्लाह गवा रहना अल्लाह गवा, गवा रहना और फिर उसके बाद आप आपलीसल्लम ने ताकीद फरमाई थी कि अब जब तुम लोगों ने यह गवाही दे दी और मैंने अल्लाह को गवाह बना लिया तुम्हारी गवाही करके मैंने तुम तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया है तो फिर अलैहि वसल्लम ने फरमाया था फली अब तुम लोग क्या करना जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं हाजिर हैं वो गायब को पहुंचा दे उस मौके पर फिर आपने पहुंचाने वालों के हक़ में दुआ की थी बहुत ही प्यारी सी दुआएं अल्लाह तआला हमें इस दुआ के पैमाने पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए क्योंकि जिस दुआ के पैमाने पर पूरा उतरेगा उसके हक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल होगी और आपको पता है नबियों की दुआएं कबूल होती है ना आपने फरमाया था इलाही मसरूर और शादाब रखना मसरूर किसको कहते हैं बड़ा दिल होता है ना सरूर आ जाता है हाँ लोग लंबा लंबी तान के सोते हैं फिर जब सुबह उत... सरूर आ गया ठंडे कमरे में सोने का ठंडा पानी पीने के बाद सरूर आ गया ठंडा पानी पीने का हाँ खाना खाने का पेट भर के खाना खाने का अच्छे कपड़े ये सब दुनिया की नेमतों तो में हम क्यों इंडल्ज करते हैं सरूर के लिए तो है ना कुछ लोग फिल्में और मौसीकी भी इसीलिए सुनते हैं सरूर आ गया मौसीकी सुन के आता नहीं होता रू की गजा नहीं इन शी तो आप सलाह वाई सुन में फरमाया इलाही मसरूर और शादाब शादाब का मतलब होता है फ्रेश दिल करता है फ्रेश है फ्रेशनेस की ख्वाहिश तो खातन को वैसे ही बहुत ज़्यादा होते हैं ना हर वक्त मैं फ़्रेश लगती रहूँ हाँ बूढ़ी है उनका भी दिल है और जवानों का भी दिल है सबका ही दिल है इलाही मसरूर और शादाब रखना और ये दुआ दुनिया में कबर में खशर में पुलसरात पे जन्नत की शादाबियों की शक्ल में कबूल होगी इलाही मसरूर और शादाब रखना उस शख्स को जिसने मुझसे मेरी एक बात सुनी और उसको लोगों तक पहुंचा दिया और फिर आपने फरमायानी तरक् तू मैं अपने पीछे छोड़ चला हूं क्या दो चीजें कौन सी दो चीजें किताब अल्लाह व सुन्नती उम्मत से मुखातिब होकर आपने फरमाया था देखो मैं अपने पीछे दो चीजें छोड़े जा रहा हूं अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत इसको थामे रखोगे तो रास्ता गुम नहीं करोगे वही है जिसको अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया वहासम बेहबुल्ला जमिया तफर रखू देखो अल्लाह की रस्सी को था मे रखू और अल्लाह की रस्सी क्या है यही दो चीजें कुरान और हदीस और फिर आपने एक हदीस में फरमाया मतलब और भी दुनिया के बहुत सी आलूम है फिजिक्स है केमिस्ट्री है बायोलोजी एडमैथ है से, बहुत सेलूम है पढ़ोगे जरूर पढ़ना लेकिन बेसिक इंपॉर्टेंस की तीन इलुम की है किताब का इल्मनत कायमा का इल्म और इंसाफ से वरासत तकसीम करने का इलम ऑफ द थ्री इमिन असल एक्चुअल जिसको और रहमान अर्रहमानल कुरान उस रहमान रब ने जिसने किताब सिखाई है उस रहमान के नजदीक दिए हुए बेसिक तीन अलूम कौन से हैं कुरान सुनत कायमा और हाँ अल्लाह का वज़ा करता वरासत के साथ तकसीम के साथ इंसाफ के साथ वरासत तकसीम करने का इल अल्लाह सुबहाना ताली ये इल्म ये फ़हम कुरान और हदीस का ये हवाला हमारे जहनों में हिप्स फरमा दे और अल्लाह सुबहाना ताली हमें ये सब कुछ सुनने और जानने के बाद हदीस और सुन्नत को सीखने का ज़बरदस्त षौक़ अता फ़रमा दे अल्लाह दौड़ दौड़ के लपक लपक के मेहनत से क़ो शौक से एक दूसरे से सबकत ले जाकर हम हदीसें सीखने और सुनने वाले हो जाए अल्लाह इनका फ़हम अता फ़रमा और अल्लाह ऐसा फ़हम जो हमारे अमल में बदल जाए और अल्लाह ऐसा अमल खालिद को राजी करने की नीयत शामिल हो जाए बस एक और पॉइंट और इन शुरू कल के लेक्चर को मूव ऑन करेंगे हदीस का सोर्स हदीस का जरिया क्या है हदीस कहां से आई हदीस का ऑरिजिन हदीस का सोर्स क्या है हदीस का मतलब तो बात है नबी सलम के मुंह वारिक से निकली हुई बात को हदीस कहा जाता है इंशाल्लाह हदीस की किस्मों पर बात भी होगी फेली तकरीरी कौली आगे चल के मैं बात करूंगी अकसाम जो हदीस की लेकिन हदीस क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद नहीं सूर नजम की आयत नंबर थ्री अल्लाह सुरम की आयत नंबर तीन में फरमाते हैं कौन आप अपनी मर्जी से नहीं बोलते आप अपनी ख्वाहिशा अपनी आर्जुओं अपनी तमन्नाओं से अपनी डिजायर से नहीं बोलते थे मगर ये कि आप पर वही की जाती थी सुना नजम की आयत नंबर तीन से वाज तौर पर अल्लाह ने बगैर शक और शुबे और तरद के बता दिया कि आप सल्लास अपनी मर्जी और ख्वाहिशात नफ़ से बात नहीं करते थे आपका बात करना आपका बोलना आपका अमल आपके कौल आपके फेल आपकी हदीस आपकी सुन्नत के पीछे वही का सोर्स होता था इन यू यू हा मगर ये के जो आप पर वही की जाती थी वही हदीस और सुन्नत का सोर्स होता था अल्लाह ने कुरान में एक और जगह फरमाया जब आप पर वही नाजिल होती थी ना आपको पता कि वही का वो माहौल देखे ना

वो रब अलीम खबीर समी बसीर का दिया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आती थी तो हमें पता चलता है कुरान में एक जगह नहीं एक बार की नहीं बार बार ये आयत आती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अमानत अपनी सदाकत हदीस कुरान अल्लाह की मोहब्बत के शौक़ से इसको जल्दी जल्दी दोहराते थे कि मुझे भूल ना जाए ना इंशाल्लाह इसमें तफसील में बात होगी तो फिर अल्लाह सुब्हानहु तआला ने क्या कहा कि मोहम्मद सल्हे वसलम जब आप पर वही उतर रही होती है तो आप इसको सुना करें इसको पढ़वा देना भी हमारे जिम्मे है इसको समझा देना भी हमारे जिम्मे है अला yup साल ने फरमायालैन बयान हो ये जो हदी वही के अहमत मोहम्मद आप पर आएंगे आलैना बयाना हो इसका बयान कर देना इसका वाजे कर देना इनके मानी और मफहम को खोल के आप तक पहुंचा देना ये भी अल्लाह ही के ज़िम्मे है ठीक कैसे होता था अबू दाऊद में आप की हदीस के अल्फाज मौजूद हैं आपने फरमाया अः इन्नी किताबा व मिसलहु माहु देखो सुन रखो एक तो मुझे किताब दी गई है और इसी की मानिंद और भी इसके साथ दिया गया इन्नी ऊती तुल किताबा व मिसलहु माहु इसमें कोई शक की बात नहीं है सुन लो उम्मत रसूल वसल्लम के अफराद इसमें कोई शक की बात नहीं है कि मुझे एक किताब कुरान दिया गया और इसी के साथ मुझे इसी की मानद एक और चीज भी दी गई ये मिसल क्या है अब इसको यूं समझिए कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती थी हजर जबरी तशरीफ लाते थे आपको पता है कि मुख्तलिफ़ शक्लों में कभी इंसानी शक्ल में कभी फरिश्ते की शक्ल में कभी आवाज की शक्ल में कभी दिल में अलका करना कभी ख्वाब मुख्तलिफ शक्लों में वही नाजिल होती थी और ये वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिफ्स करवा दी जाती थी आपके हाफ से मुबारक में इसको जो वही की आयत उस मौका महल में जो जहां जितनी आयत नाजिल होनी होती थी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आती थी, और आपके हाफसे में उसको अलका करके उसको उसी आयत को उस प्रसाइज सूरत में उसके मौका महल में हिफ्स करके डाल दिया जाता था ये अल्लाह का वादा है अल्लाह ने कुरान में इसका ज़िक्र किया लेकिन जो आयात नाजिल होती थी आपबी जानते थे आपकी मदर टंग थी लेकिन उसके बावजूद भी असोकात उसका मानी उसका मफोम उसकी तशरी उसकी तोजीह उसकी एप्लीकेशन उस पर अमल का तरीका आपको समझ नहीं आता था तो आपके मम हज़रत जबरी अमीन अल्लाह ही की वही के अल्फाज में आपको उन आयात की तशरी समझाते थे बात समझ में आई है वही नाजिल होती थी आपको हिफ्स करवा दी जाती थी आपके हाफ से में डाल दी जाती थी ये आयात जो नाजिल हुई हैं, इनकी तशरी इनकी तोजी मज जबरीन अमीन अपने तलबिल मोहम्मद सल अलाम को अपने अल्फाज में नहीं अल्लाह के अल्फाज अल्लाह के तालीम दिए हुए वही के, के अल्फ में इस नाजिल करता आयत की तशरी एक्सप्लेनेशन, तबसर और वजाकत मोहम्मद सहयम तक पहुंचाते थे तो गोया वही के मौके पर बस अवकात दो किस्म की वही नाजिल होती थी एक वही है मतलू मतलू तलावत की जाने वाली वही ये जिसको हम कुरान में पढ़ते हैं वो आपके हाफ़से में रखी जाती थी आप जाके कुरान की आयत की शक्ल में सुनाते थे हाफजी ने कराम उसको याद कर लेते थे कातबी ने वही उसको लिखते थे वो कुरान का हिस्सा था यह तो वही मतलू थी जो नाजिल होती थी लेकिन ये मतलू की तशरी और तोजी के लिए कुछ और भी वही उस मौके पर नाजिल होती थी इसको हम इस में वही गैर मतलू कहते हैं या वही खफी कहते हैं खफी मतलब जो छुपी हुई है जो पुरशीता है गैर मतलू जिसकी तलावत नहीं की जाती डजेंट इट रिलेट एक कुरान की आयात जो जाहिर है हमारे और आपके हाथों में है हम इनकी तलावत करते हैं लेकिन अदर दिन दैट वही गैर मतलू भी नाजिल होती थी जो खफी है जो मुझ तक और आप तक अरबी के अल्फाज की, की शक्ल में नहीं पहुंची कुरान की आयत की शक्ल में नहीं पहुंची हम उसकी तलावत नहीं करते ये वही खफी या वही गैर मतलू फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम उस वही मतलू की तशरी के लिए उम्मत तक कैसे पहुंचा गए बोलकर हदीस के जरिए या अमल करके सुन्नत के जरिए आप समझ में आया हदीस और सुन्नत का सोर्स वही इलाही है सोह नजम ने भी यही कहा इन हुआ इल्ला वही यूह हाँ, आप बोलते थे वही वही गैर मतलू आपका अमल वही वही खफी उस आयत की तशरी के लिए आपका बोलना आपका अमल आपकी कोई सुन्नत आपकी कोई हदीस आपकी मर्जी और आपकी रजा से नहीं थी इसका सारे का सारा ऑरजन इसका सारे का सारा पीछे सोर्स क्या था वही गैर मतलू और वही खफी बस इस बात पर बात मुकम्मल करूंगी, अल्लाह सुबहल्ला ने ना नवजल ज़िक्रा अल्लाह ने ज़िक्र को नाजिल किया या दहानी को कुरान और हदीस के पैगाम को हम तक भेजा हो हदैन जदईन इसी तरह किया और इसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने लिया है वही की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने लिया है क़ुरान भी वही है हदीस और सुन्नत का जरिया भी वही इलाही है लिहाजा याद रखिएगा कल ज़्यादा वजाहत से बात करूँगी कुरान भी महफूज है और सही पैमाने पर मौजूद अहदीस और सुन्नत भी महफूज है क्योंकि अल्लाह ने जिक्र और वही की हिफाजत का ज़िम्मा लिया है और वैसे भी अगर आप सोचें अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया है तो क्या नमूना कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने छोड़ दिया होगा क़र भी महफूज हदीस भी महफूज सुन्नत भी महफूज अल्लाह हमें शरीयत के इन तीनों जराए को समझने सीखने मानने इनको लोगों तक पहुँचाने और अपने अमल में रासिख और रज करने की तोहफ़ी किताब फ़रमाते रबना लातलुबना बद इसदई तना वहाब लानना मिल्ला तो उनका रुहमा इन्ना का अन वहाब सुबह वब हम نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين ثم